अंदर एक इंजीनियर छुपा होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, संतों के मुंह से सुना है कि हमारे अंदर ही राम है, मतलब अल्लाह, राम, गुरुदेव, जो भी है, मतलब सब अंदर है। इस ब्रह्मांड के अंदर हम शिव को खोजते हैं, राम को खोजते हैं, तो संतों का यह कहना होता है कि क्यों फालतू भटक रहे हो, कौन सा राम मंदिर के अंदर बैठा है, वो तो तुमने मंदिर बनाए हैं, ठीक है। और हमने एक शेर भी इसके ऊपर लिखा था, हमारे अंदर का गालिब जागा था, खूब बनाए महल और मंदिर उनके लिए, हम एक ही बात कहते हैं, कोई उन्हें ढूंढ भी लो। तो बच्चे उस टाइम समझ नहीं पाए थे, हमारा मतलब यही था कि महल मंदिर बनाने से क्या होगा, जो उनकी बातें हैं उनको सीख कर कोई उनको पाने की कोशिश करो, उनको ढूंढ तो लो, वो हैं कहां पर। तो संतों का एक ही बात कहना होता है, अंदर है, ठीक है ना, अंदर है। तो भैया तुम्हारे अंदर जिस तरीके से राम बैठा है ना, तुम्हारे अंदर जिस तरीके से पैगंबर, अल्लाह, जो भी है वो बैठा है, उस तरीके से मेरा कहना यह है कि तुम्हारे अंदर एक इंजीनियर भी बैठा है, मैं गारंटी देता हूं। सुनो कैसे, प्रैक्टिकल प्रूफ, एक मिनट लूंगा। बचपन के अंदर ये दुनिया के हर शख्स के अंदर है, और ये किताबों में नहीं लिखा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये सत्य है, इसको कोई गलत कह ही नहीं सकता, पक्का। सुनो कैसे, तुमने बचपन में लट्टू कंचे खेले होंगे, अरे यार नहीं खेला, किसी चीज को ताना तो मारा होगा ना, पत्थर फेंक के मारा तो होगा। उस टाइम पे तुमको कोई ये बता रहा था कि किस एंगल से फेंकना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अरे भाई नहीं, तुम्हारे अंदर का इंजीनियर तुमको बता रहा था, भाई इस तरह से मैं मारूंगा ना, इस वेलोसिटी से मारूंगा, चोच पे जाके डायरेक्ट टकराएगा। हाँ अच्छा छोड़ो, तुम लोग गाड़ी चलाते हो, बहुतों ने चलाई है, गाड़ी चलाते हुए तुम्हें यह बताया गया था क्या, भाई इतनी दूर ऑब्जेक्ट है, तुझे अगर इतनी वेलोसिटी पे है तो इतना ब्रेक पेडल दबाना पड़ेगा जी, घंटा? नहीं बताया। किसने बताया? तुम्हारे अंदर के इंजीनियर ने बताया, भाई अगर एकदम ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ब्रेक ज्यादा दबानी है, तुमको ये नहीं पता कितनी, लेकिन दबानी है। कौन बता रहा है? तुम्हारे अंदर का इंजीनियर। हर किसी के अंदर होता है, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ना हो, सबके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो स्ट्रीमलाइन के बीच की वैल्यू को डिस्चार्ज कहते हैं, या मेरे बताने से अच्छा खुद से अगर एनालाइज करो तो ज्यादा हो गया। बाय द वे अभी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग।